ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक हमने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन क्या है, अब देखो जो ये स्ट्रेट लाइन ए बी ई है इस पे बनने वाला जो एंगल है वो पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 180 डिग्री का, राइट। ये 180 डिग्री का होगा तो क्या होगा, एंगल सी बी ई है वो कितना हो जाएगा 180 में से इस वाई को आप माइनस कर दीजिए, ये पूरा एंगल 180 डिग्री था, 180 माइनस वाई करते हैं तो क्या होगा, ये बच जाएगा एंगल सी बी ई बच जाएगा, राइट। मैंने लिखा है एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। वैसे ए सी बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है और इसके बनने वाला ये एंगल जो है स्ट्रेट एंगल दैट इज ऑफ 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी सी डी ये वाला जो एंगल होगा उस वो पूरा ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस z, 180 माइनस z इस पूरे 180 में से इस z को हटा दिया तो ये बचा हुआ एंगल आपके पास, ठीक। देयरफॉर बी सी डी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस z, ठीक। दूसरे में आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, राइट। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए बी ओ सी, बी ओ सी में आप देख रहे हैं क्योंकि बी ओ जो है बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, इस एंगल बी सी बी ई का बाइसेक्टर है ये बी ओ, ठीक। देयरफॉर एंगल सी बी ओ यहाँ पे लिखिए एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, That is equal to half of angle CBE, जो ये वाला एंगल है वो हाफ है इसका इस पूरे एंगल का, इस पूरे एंगल का हाफ है, दोनों इक्वल एंगल बाइसेक्टर में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, राइट। दैट इज हाफ ऑफ एंगल CBE, ठीक। और एंगल CBE की वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज 180 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हाफ, इसमें हाफ ऑफ एंगल CBE की वैल्यू रखिए, एंगल CBE था 180 माइनस 1, ठीक। इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे हाफ इनटू 180 करेंगे तो दैट बिकम्स 90 और ये बन जाएगा माइनस हाफ ऑफ 1 या वाई वैल्यू दे सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया फर्स्ट एंगल CBE, ये एंगल CBO की वैल्यू है, ठीक। दूसरे केस में हमें दूसरा एंगल निकालना है एंगल BCO, एंगल BCO राइट, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू जो ये एंगल देखिए बी सी ओ ये वाला एंगल है ये हाफ है किसका, बी सी डी का, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, बी सी डी का हाफ है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने बी सी डी की वैल्यू निकाल रखी है 180 माइनस z इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस z, ठीक। 180 माइनस z में दैट बिकम्स 180 का हाफ हो गया 90 माइनस हाफ ऑफ z, ठीक। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए या इस पूरे ट्रायंगल को देखिए, पहले एंगल जो BCO है उसमें है आपके पास एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO इक्वल्स टू 180 होगा कि नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी कि ये तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा, राइट। इसको सिंपलीफाई करते हैं एंगल BOC प्लस एंगल BCO की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस z बाई टू, 90 माइनस z बाई टू प्लस एंगल CBO की वैल्यू यहां देखिए 90 माइनस y बाई टू, 90 माइनस y बाई टू इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अब आप क्या करें, 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 से ये 180 कैंसिल हो, ठीक। तो एंगल BOC यहां से आया है आपके पास, BOC इज इक्वल टू इन दोनों को उस तरफ लेके जाइए z अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 या फिर आप इसको लिख सकते हैं हाफ को बाहर ले लीजिए और z प्लस y या y प्लस z आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ y प्लस z, ठीक। इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप इसको दूसरे ट्रायंगल में जो पहला वाला ट्रायंगल है उसमें x प्लस y प्लस z x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री बिकॉज दिस इज ऑल्सो द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। पुट द वैल्यूज हियर, नाउ एंगल x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री और आप ये लिख सकते हैं कि क्योंकि आपको यहां पे y प्लस z की वैल्यू चाहिए तो y प्लस z इक्वल्स टू 180 माइनस x, ठीक। इसमें सब्स्टिट्यूट
कर लीजिए, इसको आपने x को इस तरफ ले गए तो y डिवाइडेड बाय x होगा। ठीक, एंगल POC देयरफॉर एंगल BOC विल बी इक्वल टू राइट हाफ ऑफ y + z कितना है 180 - x 180 - x राइट विच बिकम्स हाफ ऑफ 180 दैट इज 90 - हाफ ऑफ x और हाफ ऑफ x किसकी वैल्यू है ये थी एंगल A की वैल्यू राइट विच इज इक्वल टू 90 - हाफ ऑफ एंगल BAC BAC एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से आप इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, एक बार आप अपने आप कीजिए, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच।